कि हम बलिदान की परंपरा से आते हैं और जो मेरे भ्राता कश्मीर में आतंकवादियों से जूझते हुए शहीद हुए हैं ये उनके साथी बैठे हैं, इसलिए हमारा इनसे रिश्ता है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्रहरी ये बैठे हुए हैं, सीमाओं के प्रहरी, पीछे देखो 73 वर्षीय योद्धा, प्रहरी पोषक माने इन किसानों के बेटे हैं, ये प्रहरी हैं, ये किसानों की पृष्ठभूमि से आते हैं, और ज्ञान प्रकाशक माने साधु संत। वास्तव में जब तक इस देश की व्यवस्था में इन तीन की भागीदारी नहीं होगी, जब तक तब तक ऐसे ही चोर, डकैत, माफिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे केजरीवाल, आप आम आदमी पार्टी हो, क्या है कि इस देश की राजनीतिक पटल पर यही माफिया, यही भ्रष्ट, यही छली कपटी प्रपंची लोग ही एक तरह से अपना अपनी एक्टिविटी बनाए हुए हैं 76 साल से। तो हमारा तो यही कहना है कि जिसके साथ हुआ, जिसके द्वारा हुआ, दोनों के दोनों, कहते ना कि अंधेर नगरी बेबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जो श्रीमान जी अपने आप को बहुत दूध का धुला मान रहे हैं, उनके ही वक्तव्य के माध्यम से दूसरे दलों के जो भ्रष्ट हैं, घोटालेबाज हैं, खूब नाम पानी पी पी के नाम लेते हैं उनके, और जब उनके साथ वो साझा हो जाते हैं तो ना वो गद्दार बचते हैं, ना घोटालेबाज बचते हैं, ना भ्रष्टाचारी बचते हैं। तो हम इससे पूछना चाहते हैं इस मूर्खानंद से कि जो भाजपा का ये चल रहा है ना तांडव इस समय देश के अंदर, सत्ता का दुरुपयोग, एजेंसियों का मिसयूज, हम कहना चाहते हैं कि एक दिन ये पाखंडी भी इसी तिहाड़ में पैक होगा। आने तो भारतीय जवान किसान पार्टी को वर्चस्व के साथ यहाँ पर न्याय के मंदिर में, आने तो यहाँ लोकतंत्र के इस मंदिर में। तो अब चूंकि ये लोकतंत्र को ही नष्ट करने में लगे हुए हैं, हमारी पार्टी को भी चुनाव चिन्ह नहीं दे रहे हैं, इनका सीधा वहां बैठे हैं इनके दलाल चुनाव आयोग में, चुनाव चिन्ह भी नहीं दे रहे हमारी पार्टी को। तो हम तो ये कहना चाहते कि ये सब चोर डकैत हैं भैया, जिसके साथ हुआ अच्छा हुआ, जिसके साथ होने वाला है अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने इनको दंड देने के लिए पैदा कर दिए हैं योद्धा। क्योंकि हमारा पहले दिन से नारा है कि वयम अग्रे चलिष्यामः चलिष्यामः निरंतरम, दुर्जनान दंडिष्यामः रक्षिष्यामः च सज्जनान। ये चोर चोर मोसेर भाई, इनकी एक कंपैक्ट यूनिट है, पूरा गिरोह है, ये पूरा गिरोह है, और ये इनकी इतनी गजब की प्लानिंग है, ऐसी इनकी सांठगांठ है, ऐसे इनने आपस में मैनेज किया कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ना, कहते हैं ना कि नाई के बाल कटते हैं तो आगे गिरते हैं, आगे गिरते हैं। अब इनका भी वक्त आ गया है, इनका भी ये, इनके भी दिन पूरे हो गए, अच्छे दिन के बाद एक लेकर के आए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम का नारा लगा गया, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, मैं बचपन से स्वयं सेवक हूँ, अब तक वोट इन्हीं पाखंडियों को किया था जिस दिन से हम वोटर बने थे, लेकिन जय श्री राम के पीछे जो इस देश की आस्था थी, उस आस्था को लेकर हमारी सद्भावना का जो इन्होंने मिसयूज किया, जब हमें पता चला 2014 के बाद लगातार हम इनके पीछे रहे, पूछते रहे कि भैया गौ हत्या कब रोकोगे, भैया ये शराबबंदी कब करोगे, भैया देश में ये जो करेक्टर चरित्रहीन लोग बैठे हैं संसद में, ये भ्रष्ट लोग, ये माफिया, ये गुंडे, ये रेपिस्ट, ये मर्डरस, इनका कब राजनीति के पटल से खात्मा होगा। लेकिन भैया इनके यहाँ तो एक से बढ़ के एक अपराधी उनको ये गले लगा रहे हैं। तब हम लोगों ने ये तय कर लिया कि ये कालनेमी है, इनके कहना और करना बहुत बड़ा अंतर है। अभी जिस तरह से दूसरों को ब्लेम करके जेल भेज रहे हैं ना, हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो 6,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का ये हुआ है घोटाला, कई बड़ी लंबी सूची है विदेशों में, अरे दुश्मन शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान में, वहां से भी चंदा ले रखा है, वहां से भी इस घोटाले में उस सूची में नाम है। हम पूछना चाहते हैं कि देश की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हो, कब तक झोंकते रहोगे, तारीख तो बता दो यार। आ रहे हैं हम बनारस की धरती से, हम स्वयं आ रहे हैं इस पाखंडी के सामने, ये जो बहुत बड़ा तानाशाह पैदा हो गया ना, पाप का पुलंदा, इसे हम धोएंगे गंगा में, ऐसे धोएंगे, ऐसे 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 धोएंगे इसको हम अच्छे से गंगा में, उसी दशा समेत घाट पे धोएंगे इसको हम, क्योंकि प्यार तो हम प्राणियों से करते हैं, हम पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। इसलिए जितने ये पापी हैं, ये गया ना अभी जेल, और ये अभी ये जो पापी है हमारा प्रधानमंत्री, इसको भी हम इसी जेल में पैक करेंगे, और इस जेल को हम गुरुकुल बनाएंगे। बैठे हैं हमारे ये आचार्य लोग, ये बैठे हैं आर्मी के शिक्षक हैं, ये सब ये सिखाएंगे देश को किस अनुशासन से चलाना है, किस भावना से हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया था, इन्हीं गुंडों माफियाओं के लिए देश सौंपने के लिए किया था क्या?